हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन किचन। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे मिस्टर मनोज जयराज की कमेंट आई थी, तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, साबूदाने की खिचड़ी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले साबूदाने को भिगोना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल साबूदाना लिया है, उसे हम अच्छी तरह से भिगो देंगे। तो हमें उतना ही पानी डालना है जितना साबूदाना है वो पानी के अंदर डूब जाए, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इतने पानी से अच्छी तरह से साबूदाने भिगो जाएंगे। हम 5 से 6 घंटे तक इसे रखेंगे। 5 से 6 घंटे के बाद हमारे साबूदाना है अच्छी तरह से पानी के अंदर भीग गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम खिचड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, पैन के अंदर 2 चम्मच तेल डाला है। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है जो वेट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर मैं जीरा डालूँगी 1 चम्मच, हींग 1/2 चम्मच, ग्रीन चिली और जिंजर की पेस्ट 2 चम्मच और अच्छी तरह से इसे सोते कर लूँगी। उसके बाद हल्दी 1/2 चम्मच, तिल 2 चम्मच और हम तिल को भी अच्छी तरह से सोते कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, चीनी 1 चम्मच। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। मैंने यहाँ 1 नींबू का रस लिया है। नींबू का रस हमें पहले ही डाल देंगे। उसके बाद 1/2 बाउल आलू। मैंने यहाँ जितना साबूदाना लिया है उससे 1/2 ही आलू लिया है। और उसके बाद साबूदाना डाल देंगे। साबूदाने को हमने पहले से ही भिगो के रखा था तो वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे तो हमारी खिचड़ी एकदम तैयार हो जाएगी। सब कुछ अच्छी तरह से अब हमने मिला लिया है तो हमारी खिचड़ी तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ऊपर धनिया पत्ती डाल के गार्निश कर देंगे। अगर आप भी ऐसी साबूदाने की खिचड़ी को बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को देखना और मैंने जिस तरह से साबूदाने को भिगोया था उसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इसे बनाना। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये साबूदाने की खिचड़ी कैसी लगी, और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप कोई नई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना।